आप सभी लोग देखते होंगे कि हर साल 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 28 दिसंबर को कांग्रेस का जन्म दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है। और 28 दिसंबर 1885 का ही दिन था जब कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब आप लोग कहेंगे कि कांग्रेस की स्थापना यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी थी और किस उद्देश्य से एक तरह से इसकी स्थापना की गई थी, तो आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं और मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। आपने अभी देखा होगा कि हमारे भारत में भारत सरकार 3 कृषि कानून लाई हुई थी किसानों के लिए, लेकिन आपने देखा है किसानों किसान उसके खिलाफ आंदोलन करने लगे और एक लंबे समय तक किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया और इसमें आप देखेंगे कई संगठन थे, लेकिन कई संगठनों ने मिलकर एक संगठन बनाया, संयुक्त किसान मोर्चा। देखिए, सभी किसानों का बात कर लीजिए, किसानों के जो भी हल्के छोटे छोटे संगठन थे, उनका उद्देश्य एक ही था कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तो इसी तरह आप देखिए कि 1885 के पहले बहुत सारे संगठन थे, बहुत सारे आंदोलन होते रहते थे, क्रांतियां होती रहती थी और सभी का उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिले, अंग्रेजों की जो हमारे ऊपर गुलामी चल रही थी उसे खत्म किया जाए, हमें आजादी दी जाए। और इन्हीं बातों को सभी लोगों ने ध्यान में रखते हुए एक कांग्रेस की स्थापना की, एक संगठन की, उसी के नीचे अब लड़ाई लड़नी शुरू हो गई थी। तो इस पर आज की इस क्लास में हम लोग कांग्रेस के बारे में विस्तार से बात करेंगे और अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो अधिवेशन हुए हैं इसकी जिसने अध्यक्षता की हुई है उस अधिवेशन में क्या खास बात हुई, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और वैसे हम लोग 1885 से लेकर अभी तक वर्तमान तक जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं उन सब पर हम लोग बात भी करेंगे और विस्तार से करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे भारत में एक महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, और जब भी कभी चुनाव की बात होती है तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के बिना कोई चुनाव होना संभव होता है। अभी देखिए वर्तमान में जो पार्टी की सत्ता है बीजेपी की, कहा जाता है कि 2024 में अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो कांग्रेस को लेकर एक गठबंधन बनाना होगा, गठजोड़ बनाना होगा, और बिना कांग्रेस के कोई गठजोड़ सफल नहीं हो सकता है, ऐसा हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो कहते हैं। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की 200 के करीब लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट होती है, और आप देखिए वहां दूसरी राजनीतिक पार्टियां है ही नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए भी कांग्रेस जरूरी हो जाती है। और इसका आप लोग चिन्ह देख ही रहे होंगे, हाथ का पंजा। अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें तो 1885 में 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? बॉम्बे में। और इसके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ताओं के बारे में बात करें तो शुरुआत में इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे। और प्रारंभ में इसके कई नेतृत्वकर्ता बंबई और कलकत्ता से संबंधित थे, और खासकर आप देखेंगे कलकत्ता और बंबई में ही एक तरह से इसका ज्यादा शुरुआत में असर देखा जा रहा था। और एक सेवानिवृत्त तो ब्रिटिश अधिकारी थे एओ ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाने लाने में भूमिका निभाई थी, और इन्हीं के सहयोग से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था और देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न देश क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया, और अधिवेशन का अध्यक्ष उसी क्षेत्र का चुना जाता था जहां कांग्रेस की अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा होता था। और उस समय आपको बता दें कि कांग्रेस पर किसी एक परिवार का या किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं था जैसा कि आज आप लोग देखते हैं। और आप लोग इसी कारण है कि मुझे लगता है कि 1847 माफ करिए 1947 में जब हमें आजादी मिलती है तो गांधी जी को मुझे लगता है कि उस समय मालूम था कि कांग्रेस की ये हालत होगी, कांग्रेस का इस तरह से पतन होगा, और इसीलिए आपने देखा है कि गांधी जी कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करने के प्रयास
पक्ष में थे, उनका मानना था कि अब आगे चल के अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाइए, इस कांग्रेस को यहीं खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके विभिन्न सत्र की बात करें, विभिन्न जो भी अधिवेशन हुए उनकी बात करें अगर हम लोग, और याद रखें इनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आपके स्टेट के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं या सेंट्रल के होते हैं या स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस के पेपर होते हैं, उनमें काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो पहला अधिवेशन या पहला सत्र 1885 में होता है और ये बॉम्बे में आयोजित किया जाता है। कहां? बॉम्बे में। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? डब्ल्यू सी बनर्जी। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। फिर आप देखेंगे दूसरा सत्र यानी कि दूसरा अधिवेशन, ये आपका 1886 में होता है, ये कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। तीसरा सत्र 1887 में होता है और ये मद्रास में होता है और इसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तियबजी थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा आपकी परीक्षा में कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और ये अधिवेशन कौन सा था और कहां हुआ था, किस सन में हुआ था। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तियबजी और तीसरा सत्र था 1887 में हुआ था और मद्रास में हुआ था। चौथा सत्र 1888 में होता है, इलाहाबाद में होता है और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर आप देखेंगे 1896 का अधिवेशन, ये कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी और इसमें इस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। तो इससे भी क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है। फिर आप देखेंगे आपका महत्वपूर्ण 1899 का अधिवेशन है और ये लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद दत्त और भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की गई थी इसमें। ठीक है, फिर 1901 में आपका अधिवेशन होता है और ये कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे देनसा ई वाचा और इसमें पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर कहाँ दिखाई दिए थे, किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में जो 1901 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देनसा ई वाचा ने। फिर आपका 1905 का अधिवेशन, ये बनारस में होता है और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा इस अधिवेशन में की जाती है। फिर आप देखेंगे 1906 में आपका अधिवेशन होता है और ये कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए जाते हैं और इसमें चार प्रस्ताव को अपनाया गया, स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। फिर 1907 का सूरत अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरमपंथी और गरमपंथी लोगों में। नरमपंथी वो लोग थे जो हाथ जोड़कर पत्र लिखकर अपना काम, अपनी मांगे मनवाना चाहते थे और गरमपंथी आप जानते ही कि गुस्सा वाले थे, जो हथियारों की बात करते थे और सत्य का स्थगित होना इसमें बात की गई। फिर 1910 का अधिवेशन इलाहाबाद में होता है और इसके अध्यक्ष सर विलियम बिडरमन थे और एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, 1909 के अधिनियम द्वारा जो शुरू की गई पृथक निर्वाचक प्रणाली की निंदा की थी इन्होंने। और आपको बता दूं कि जिन्ना थे जो ये पहले इस तरह के भारत की बंटवारे के खिलाफ थे बिल्कुल, आगे चल के उनकी अपनी राजनीतिक स्वार्थ के चलते उन्होंने उसका साथ दिया था। 1911 में आप सभी जानते हैं कलकत्ता में होता है अधिवेशन और इसके अध्यक्ष बी एन धर थे। 1911 का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का और इसके अध्यक्ष कौन थे? बी एन धर। और 1911 के अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। फिर 1915 का आपका महत्वपूर्ण है, ये बॉम्बे में हुआ था, इसके अध्यक्ष सर एस पी सिन्हा थे और चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था। फिर आपका 1916 का अधिवेशन होता है, ये भी आपका लखनऊ में होता है और इसके अध्यक्ष एस सी मजूमदार थे और कांग्रेस के दो गुटों नरमपंथियों अतिवादियों के बीच एकता यानी कि समझौता होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
दो घटनाएं घटती हैं इसमें। फिर आप देखेंगे 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी ये। अगर भारतीय कांग्रेस, भारतीय महिला की अगर बात करें कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो आप लोगों को याद रखना है कि वो एक तरह से प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू। और अगर आपसे पूछता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट थी। ये भी आप लोगों को साफ साफ याद रखना होगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। एक कलकत्ता का अधिवेशन था 1917 का, इसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष बनाई गई थी। फिर 1918 का विशेष सत्र होता है, ये बॉम्बे में होता है, और इसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। और इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। फिर आपका 1909 में होता है, ये अमृतसर में होता है, और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करते हैं। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था इसमें, यही एक तरह से इसमें प्रस्ताव पास किया गया था या निर्णय लिया गया था। फिर 1920 में आपका विशेष सत्र बुलाया जाता है, ये कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन संकल्प को आगे बढ़ाया था इसमें। फिर 1920 में आपका अधिवेशन नागपुर में होता है और इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। और इसमें आप देखेंगे भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया था। फिर आप देखेंगे 1922 का होता है अधिवेशन और ये गया में होता है और इसके अध्यक्ष थे सी आर दास। और सी आर दास और अन्य नेता आईएनसी से अलग हो गए थे और स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। फिर आप देखेंगे 1924 का अधिवेशन कांग्रेस का, और ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये बेलगाम में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित केवल एक ही सत्र है, महात्मा गांधी ने केवल कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई है, वो 1924 का था, बेलगाम का, ठीक है। फिर आप देखिए 1925 में कानपुर में होता है और इसके अध्यक्ष बनाई जाती है सरोजिनी नायडू, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। फिर आप देखें कि 1927 में आपका मद्रास में होता है और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एम ए अंसारी। कौन थे? एम ए अंसारी। चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था, और साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया था। और साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। वही हाल था कि आप देखिए आप लोगों के बारे में निर्णय ले रही कोई समिति, कोई कमीशन, कोई कमेटी, लेकिन आप ही लोगों में से किसी को शामिल ना किया जाए उसमें, फिर उसे कैसे मालूम चलेगा उस समिति को कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आपको किन बातों की जरूरत है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, समझ रहे हैं। फिर आप देखेंगे 1928 में ये आपका कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था इसमें। फिर 1929 का लाहौर में हुआ था अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो आप सभी जानते हैं कि 1947 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं पहले। इसमें पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया गया था और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाना था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई थी। पर 1931 का महत्वपूर्ण है, एक कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल साहब ने की थी, और मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया था, गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था, और महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित हुए थे। और आपको बता दूं जो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए इसमें कांग्रेस की तरफ से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में केवल किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने, और भीमराव अम्बेडकर साहब आप सभी जानते हैं कि तीनों में भाग लिया था उनके द्वारा। फिर आप देखेंगे 1934 का महत्वपूर्ण रहता है, बॉम्बे में हुआ था और इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन की बात हुई थी इसमें। 1936 का लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया था, दिया जाना की बात की गई थी। फिर 1937 का भैजपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे,
और किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था ये, याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछता है किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन था, तो 1937 का फैजपुर, और इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। फिर आप देखेंगे हरिपुरा का हुआ था, ये 1938 का हरिपुरा में हुआ था, और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे, और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। फिर आप देखेंगे 1939 का त्रिपुरी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। गांधी जी एक तरह से इसमें एक तरह से आप देखिए कि इनके पक्ष में नहीं थे, और इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। और आपको बता दूं, ये राजेंद्र प्रसाद वही है जो आगे चल के आप देखते हैं हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और इसी अधिवेशन के बाद आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, एक संगठन का, ठीक है। 1940 में आप देखेंगे रामगढ़ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। 1941 से लेकर 1945 तक यह अवधि विभिन्न घटनाओं अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, RRIN म्यूनिटी म्यूटिनी और INA द्वारा प्रभावित था। किप्स मिशन, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन जैसी संवैधानिक वार्ताओं का चरण रहा, और इस चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो पाया। फिर आप देखेंगे 1946 में मेरठ में होता है, और इसके अध्यक्ष JB किपलानी थे, और आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र था कांग्रेस का। JB किपलानी स्वतंत्रता के समय INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेगा और पूछता रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB किपलानी थे, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग ये क्या करते हैं, केवल इनका वर्ष यानी कि जिस साल ये सत्य हुआ है और जिन सन के बीच आप देखिए कि अध्यक्ष रहे हैं, उन सबको एक एक करके देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 1985 में कांग्रेस की स्थापना होती है, उस समय इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, व्योमेश चंद बनर्जी, ठीक है। 1986 में आप बताएं कि दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1987 में बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। 1888 में जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। 1985 86 नहीं है, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889 में सर विलियम बिडरमन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1890 में सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1891 में प्रे आनंद चालू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1892 में व्योमेश चंद बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद आप देखेंगे 1893 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1894 में अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1895 में NSN बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1896 में रहीम तुल्ला एम सयानी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1897 में सर सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1898 में AM बॉस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1899 में RC दत्त इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। सन 1900 में NG चंदारकर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1901 में DE वाचा इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, 1901 में। फिर आप देखेंगे 1902 में SN बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। 1903 में LM घोष इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1904 में सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1906 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, नेहरोजी। 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया था। 1908 में डॉक्टर रास बिहारी घोष को ही अध्यक्ष बनाया गया था। 1909 में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था। 1910 में सर विलियम विडरबन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, किसका, कांग्रेस का। फिर आप देखेंगे 1911 आता है, सन 1911, और सन 1911 में बिशन नारायण धर को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1912 में राव बहादुर रघुनाथ नरसिन्हा मुधोलकर को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1913 में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1914 में भूपेंद्र नाथ बोस को
कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1915 में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1917 में एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और 1918 में सर सैयद हसन इमाम स्पेशल सेशन था, ये विशेष सत्र था। 1918 में मदन मोहन मालवीय को वार्षिक सेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, ये विशेष यानी कि जरूरत थी तो पहले ही इसकी स्पेशल यानी कि विशेष सत्र बुला लिया गया था। 1919 में आपको बता दूं कि पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, किसके, कांग्रेस के। फिर आप देखेंगे 1920 की अगर हम लोग बात करें तो 1920 में लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1920 में ये विशेष था, याद रखिएगा 1920 का जो वार्षिक सेशन होता था इसके सी विजय राघवाचार्य को इसका अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। 1921 में जो देशबंधु चितरंजन दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जेल में थे और हाकिम अजमल खान इस समय कारगर थे। 1922 में देशबंधु चितरंजन दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया गया था और 1924 में आप देखें मोहनदास करमचंद गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और 1925 में सरोजिनी नायडू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1926 में श्री श्रीनिवास एंगर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1927 में मोहम्मद अली अंसारी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। फिर आता है आपका 1928 में मोतीलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। 1929 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कोई सेशन नहीं हो सका था। 1931 में आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1932 में नीली सेन गुप्ता को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इन सभी अध्यक्षों को और इसके कार्यकाल को आप लोग ध्यान में रखते रहिए, आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर आज की कांग्रेस में और आजादी के पहले की कांग्रेस में किस तरह का अंतर था जमीन आसमान का, ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे 1936 में आपको देखने को मिलेगा कि जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। 1937 में जवाहरलाल नेहरू हुई। 1938 में सुभाष चंद्र बोस। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को ही बनाया जाता है। 1940 से 45 के बीच अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष रहते हैं। 1946 में आचार्य जे पी केवलानी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1948-49 में डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और आपको बता दूं कि 1950 में जब संविधान पूरी तरह से लागू हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो पुरुषोत्तम दास टंडन को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। 1951-52 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। 1953 में जवाहरलाल नेहरू को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। 1955 से लेकर 1959 तक यूएन धेवर को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। 1960 से लेकर 63 के बीच नीलम संजीव को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है और 1964 से लेकर 67 के बीच के कामराज इसके अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के। फिर आप देखेंगे 1968 से लेकर 69 तक एस निजलिंगप्पा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। 1969 में अप्रैल में एस निजलिंगप्पा को अध्यक्ष बनाया जाता है लेकिन 1969 में दिसंबर में जगजीवन राम को अध्यक्ष बनाया जाता है। 1972 से लेकर 74 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। 1975 से लेकर 1984 तक इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। आप देखिए कि आजादी के पहले एक एक साल के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता था व्यक्तियों को, लेकिन आजादी के पहले आप देखिए कांग्रेस में यह असमानता देखने को मिलने लगती है। और आप देखिए कि इंदिरा गांधी के बाद ही तो ये भी कांग्रेस पर एक तरह से आप देखिए कि आलोचना करने लगे कांग्रेस की, ये कहकर कि एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। आप देखेंगे कि पार्टी में उन्हीं के परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनने लगा है। आप देखिए अगर बाहरी लोगों को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो ऐसा कहने के लिए हो तो जाता है कम से कम कि हाँ इस पार्टी में क्या है, लोकतंत्र है। अब बीजेपी को आप लोग देख लीजिए, अब बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जिसे चाहेगा उसे कांग्रेस का बीजेपी का अध्यक्ष बनाएगा, लेकिन कहने के लिए बीजेपी कम से कम खुलकर कहती तो है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है इसलिए हम एक परिवार के किसी व्यक्ति को इसका बीजेपी का अध्यक्ष ना बनाकर किसी व्यक्ति को एक साल के लिए फिर दूसरे व्यक्ति को एक साल के लिए अध्यक्ष बनाते रहते हैं।
ठीक है। तो 1975 से लेकर 84 तक इंदिरा गांधी रहती हैं, और 1975 से लेकर 77 का समय आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था और जिसकी वजह से उनकी आलोचना की जाती है, वही समय था। फिर आप देखेंगे 1985 से लेकर 1991 तक राजीव गांधी को इसका अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर आप देखेंगे 1992 से लेकर 96 तक पीवी नरसिम्हा राव को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। 1997 से लेकर 98 के बीच सीताराम केसरी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, और 1998 से लेकर सन 2017 तक सोनिया गांधी अध्यक्ष रहती हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि बीच में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन आपने देखा है कि राहुल गांधी इस्तीफा दे देते हैं। तो अभी वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, और इन्हीं आप देखिए सोनिया गांधी के बाद ही कांग्रेस का पतन होना शुरू होता है, क्योंकि कहकर आलोचना की जाने लगती है कि एक पार्टी एक आदमी की एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, और एक ही पार्टी एक ही व्यक्ति इसका निर्णय लेता है। इसलिए आप देखिए कि कई नेता कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों में भी शामिल हो गए। तो यही कांग्रेस की अभी तक की कहानी है, और आगे क्या कहानी इसकी रहेगी क्या नहीं रहेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए फिलहाल आप लोग एंजॉय करिएगा, और किसी पार्टी के बारे में बात करनी है तो बताइए, करते रहेंगे हम लोग।